अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद एक नई व्लॉग के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे नहीं हूँ, आपको शायद एयरपोर्ट लग रहा होगा, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैंने ट्रेन लेना है शंघाई के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं शिंगाई, ओके, और चाइनीज़ में इसको शंघाई कहा जाता है वहाँ के लिए। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको शिंघाई की सैर करवाऊंगा, तो इस व्लॉग को ज़रूर एंड तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये है जी यंगजो का जो है ना रेलवे स्टेशन, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एयरपोर्ट की तरह दिखता है, जबकि ये एयरपोर्ट नहीं है, ये रेलवे स्टेशन है, बहुत अच्छे से बना हुआ है और आप देख सकते हैं जी। अभी हम बस जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं ये देखें, और यहाँ से दूसरे लोग भी जा रहे हैं, तो कुछ ही देर में हम शंघाई में होंगे। हम लोग तो शंघाई कहते हैं लेकिन चाइनीज़ में इसको शंघाई। अच्छा जी, अब ट्रेन आ रही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस वाले ट्रेन पे जो है ना हम बैठ के जाएंगे, ये आगे से आ रहे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, ये इस पर हम बैठेंगे और शंघाई की तरफ जाएँगे, और आगे शंघाई जाके जो है ना फिर आपसे मिलते हैं। अब ये हम अंदर बैठ रहे तो इस वाले साइड पे, और ये कुछ ट्रेन के अंदर वाला है, सीन है, सामान रखने की भी जगह है, और यहाँ पे बैठ के हम जाएंगे। तो ये हमारी सीट है, यहाँ पे हम बैठेंगे अगले 2 घंटों के लिए जो है ना। ये देखिए बिल्कुल जहाज की तरह दिखता है इनके रेल भी। अभी भी मैं ट्रेन के अंदर हूँ और यहाँ पे जो है ना गर्म पानी भी मिलता है, ये डिस्पेंसर लगा हुआ है, और हम जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको बाहर के मनाजिर दिखाते हैं, ये दूसरी ट्रेन गई, और इस तरह के खूबसूरत जगहों से हम गुजरते हुए शंघाई की तरफ रवाना दवा है, शिंघाई की तरफ। अभी हम कुछ देर तक शिंघाई पहुँचते हैं, वो भी हम आपको रास्ते में दिखाएँगे। और ये हमारी ट्रेन यहाँ पे जी अभी हम शंघाई पहुँच चुके हैं, और अभी जो है ना ट्रेन से उतरे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी लोग जा रहे हैं, ये 7 वाली ट्रेन से हम आए थे। अभी हमें इधर नीचे जाना है और वहाँ से एग्ज़िट करके आपको और शंघाई की और जगहों पे जो है ना वो घुमाएंगे, तो चलो आगे चलते। ये यहाँ से हम जाएँगे, कोई QR कोड, कोई टेस्ट, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं थी, बस वैसे जैसे आप कोरोना वायरस से पहले ट्रैवल करते थे वैसे ही हमने ट्रैवल किया है, और कुछ यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें भी लगी हुई है। स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, ये आप देख ले, शंघाई स्टेशन के बाहर ही है, ठीक है, और कोई टेस्ट कुछ भी हमें देना नहीं पड़ा, इजीली जो है ना पहले की तरह हम ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे हमने उस तरफ को जाना है आगे, ये देखिए जी ये जो है ना शंघाई के जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर हम आ गए। अभी सब वो स्टेशन पे आए और यहाँ से जो है ना हमने अपनी टिकट करवा ली है, तो आगे इधर से अंदर जाएंगे और जाके सिटी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये ओपन हो गया, अब मैं आ गया हूँ, तो सबवे की तरफ जा रहा हूँ नीचे, तो नीचे जा के जो है ना मैं सबवे में बैठ जाऊँगा। तो ये शंघाई का सबवे लाइन 1 जहाँ पे हमें पहुँचना है पीपल्स स्क्वायर पे, वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपने दोस्त को वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएगा इधर से, फिर यहाँ से हम लोग जो है ना पीपल्स स्क्वायर पे जाएँगे और वहाँ से कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए जी ये यहाँ पे जो है ना सबवे, और यहाँ पे लोगों का
इतना ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि ये दिन का टाइम है, तो इस दिन टाइम में लोग काम करते हैं। जब ऑफिस से छुट्टी होने का टाइम हो तो उस टाइम बहुत रश होता है जी। इस वक्त हम मेट्रो में बैठ चुके हैं, लोगों की तादाद भी कम है क्योंकि ये लोग इस टाइम पे ऑफिस में जाते हैं। ठीक है, तो आगे जाएंगे और आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। चाइना का सबसे मसरूफ तरीन जो सबवे स्टेशन है वो शंघाई का है और बहुत बड़ा भी है, और यहाँ पे हम अभी एग्ज़िट 19 ढूंढ रहे हैं। एक ही सबवे स्टेशन में कोई 20-25 एग्ज़िट्स हैं, अब आपको अंदाज़ा लगा ले तो कितना मुश्किल होगा ढूंढना। तो अभी हम ढूंढ रहे, देखते हैं। ये हमेशा फुल भरा रहता है, ये मैं आपको कोई एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से नहीं बल्कि सबवे स्टेशन से ये मनाजिर दिखा रहा हूँ। और लोग आ जा रहे हैं, और इस स्टेशन के 19 एग्ज़िट्स है। मोस्टली जो हमारे सिटी में वहाँ पे 4 एग्ज़िट ही होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होता, और यहाँ पे 19 है। तो चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी नानजिंग स्ट्रीट बहुत ही फेमस स्ट्रीट है यहाँ शंघाई में। इधर हम आ गए दिन टाइम में, शाम टाइम में यहाँ पे बहुत रश होता है। और ये कुछ शॉप्स है, लॉटरी शॉप्स से लोग ले रहे हैं, और ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वगैरह मुझे लग रहा है। और ठीक है, इन सब में हम जाएंगे।